नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की। आज के दौर में एलन मस्क को कौन नहीं जानता। वहीं 8 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर एलन मस्क ने साबित कर दिया कि जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। आज एलन जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। आज हम एलन मस्क के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। वहीं एलन की मां का नाम मई मस्क था। एलन ने अपने पिता के साथ रहते हुए अपनी पढ़ाई की शुरुआत अफ्रीका से की। एलन मस्क जब 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले भी नहीं पढ़ते हैं। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। यही वजह थी कि उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर भी सीखा और कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करने का एक गेम भी बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। एलन मस्क जब 17 वर्ष के हुए तब वे अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वे अमेरिका नहीं जा पाए। कुछ समय बाद वे अपने पिता से भी अलग हो गए क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी माँ के रिश्तेदार जो कनाडा में रहते थे उनके पास जाने का फैसला किया। एलन मस्क कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की, साथ ही उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर ली और व्हाइट स्कूल ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक्स BE की डिग्री भी प्राप्त कर ली। कहते हैं ना कि इंसान को एक न एक मौका जिंदगी में जरूर मिलता है सफल होने के लिए, और एलन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और PhD करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहां उन्हें इंटरनेट का ज्ञान हुआ और 2 दिनों में ही उन्होंने अपना एडमिशन वापस ले लिया और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ही Zip2 नामक कंपनी बना ली। एलन मस्क की पहली कंपनी Zip2 में उनके शेयर 7% थे और वह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। यह पैसों की ट्रांजैक्शन का काम करती थी। उसी समय कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी और यह कंपनी X.com में विलय हो गई और X.com को नया नाम दिया गया PayPal। एलन को लगातार 2 सफलताएं मिली हुई थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया जाए। वे सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहां पर एलन ने ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था, एलन ने सोचा क्यों ना इतनी रकम यहाँ पर वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूँ। एलन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और स्पेस X.com कंपनी का नाम निर्माण दिया। लेकिन इनका पहला रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक भी पहुंचाया। आज एलन मस्क के SpaceX द्वारा बनाए गए रॉकेट NASA भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में, यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। इसके बाद एलन का टेस्ला से जुड़ा हुआ। टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। एलन मस्क ने कंपनी में आने से पहले टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए उनकी बनाई कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन ने इस कंपनी में कदम रखा और अपने बदौलत उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से वह कारें बिकने लगी। आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं और अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ाते हुए एलन एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी
सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी के रूप में विकसित कर दिया। वहीं 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही हैं और साथ में नई टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही एलन न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक नाम की 3 कंपनियां भी बना रखी है। न्यूरोलिंक कंपनी दिमाग को कंप्यूटर की तरह उपयोग करवाने पर काम कर रही है, क्योंकि एलन का मानना है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कंप्यूटर इंसानों पर राज करेंगे। द बोरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने का काम कर रही है और अंडरग्राउंड टनल की मदद से ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट कर रही है। वहीं स्टारलिंक कंपनी की मदद से एलन पूरी पृथ्वी के हर एक कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। और अब एलन मस्क ने गुरुवार को ट्विटर डील फाइनल कर दी। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने शुक्रवार को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नेट सैगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्डे को कंपनी से हटा दिया। वहीं मस्क कंपनी के 7500 एम्प्लॉयज में से 75% यानी करीब 5600 कर्मचारियों को नौकरी से हटा सकते हैं। उन्होंने ट्विटर डील के दौरान संभावित निवेशकों में यह बात कही थी। हालांकि यह रिपोर्ट आने के बाद ट्विटर के जनरल काउंसिल सीन एडगेट ने इससे इनकार किया है और अब एलन मस्क ने इसमें कई बदलाव करने की तैयारी कर दी है। कंपनी के बदलाव से कई लोगों को पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब ब्लू टिक के लिए ट्विटर चार्ज कर सकता है और जो लोग पहले से ट्विटर पर वेरीफाइड हैं उनको ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा, वरना उनके नाम के आगे से ब्लू टिक हट जाएगा। ये अभी साफ नहीं है कि ट्विटर ब्लू टिक वेरिफिकेशन रूल में बदलाव किया जाएगा या नहीं। एलन मस्क के विषय में अभी इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़। नमस्कार।